हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ प्राक्षी और आप देख रहे हैं प्राक्षी वर्सेटाइल चैनल। आप सब लोग कैसे हैं मुझे बताइए, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए हैं हम लोगों का इंटरेक्शन नहीं हुआ, क्योंकि मैंने कोई भी नई वीडियो नहीं बनाई है। बहुत दिन के बाद मैं एक नई वीडियो के साथ आई हूँ। तो जानते हैं जो ये नई वीडियो है वो किससे रिलेटेड है। इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ एकदम 100% ऑर्गेनिक हेयर ऑयल हम घर पर कैसे बना सकते हैं, और इसको बनाने के लिए हमें ज़्यादा मटेरियल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इजीली अवेलेबल रहता है, जो भी सामान इसमें यूज़ होने वाला है वो हमारे किचन में आराम से मिल जाएगा। इसके लिए आपको टाइम भी ज़्यादा नहीं लगेगा। और फर्स्ट थिंग ये है कि मार्केट में जो भी हेयर ऑयल होते हैं उसमें कुछ ना कुछ केमिकल कंटेंट रहता ही रहता है, जो कि हमारे बालों के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है। मैं आपको एडवाइस करूँगी कि आप केमिकल जिसमें केमिकल होता है उस प्रोडक्ट को छोड़ के ऑर्गेनिक की तरफ जाइए, क्योंकि जो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट होते हैं वो पैराबीन और सल्फेट फ्री होते हैं, जो कि हमारे बालों के लिए और हमारे जो भी है अगर आप फेस के लिए यूज़ कर रहे हैं तो सबके लिए अच्छे होते हैं। आपको पता है काफ़ी दिन हो गए थे मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा था, तो कल मैंने मेहंदी लाया, उसको भिगोया और आज अपने बालों पर अप्लाई किया। अप्लाई करने के बाद मैंने अपना हेयर वॉश किया। और अगर आपको जानना है कि मेहंदी को कैसे भिगोना है और कैसे अप्लाई करना है, तो मैंने उसके लिए ऑलरेडी एक वीडियो बनाई हुई है जिसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। और हेयर ऑयल का जो मेथड है, ऑर्गेनिक हेयर ऑयल का जो मेथड है, मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। इसको मैंने ग्लास के एयरटाइट कंटेनर में स्टोर कर लिया है, और अब चलिए लगाते हैं इसको अपने बालों में। पहले मैं अपने बालों को दो पार्ट में डिवाइड कर रही हूं।
अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो उसको लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।